हेलो दोस्तों, परिणीत मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रे को कैसे रेडी करें एंड कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है और उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होता क्या है। नॉर्मल डिलीवरी एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है जिसमें शिशु का जन्म प्राकृतिक तरीके से महिलाओं के योनि यानी वजाइना के द्वारा कराया जाता है। उसके लिए हम लोग को ट्रे को रेडी करना पड़ता है। अब ट्रे को रेडी करेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग को एक ट्रॉली या ट्रे का ज़रूरत पड़ता है। उस पर हम ऐसे ग्रीन शीट को पूरा फैला देंगे, स्प्लाइस ग्रीन शीट रहना चाहिए। उसके ऊपर हम सारे इंस्ट्रूमेंट को अरेंज करते हैं। उसके साथ साथ गाउन्स भी रहेगा, ग्लव्स भी रहेगा, कॉटन भी रहेगा, गॉज पीस भी रहेगा। उसके साथ साथ दो बॉयल्स भी रहता है जिसमें एक सेवलॉन और एक में बीटाडीन रहता है। हमारे पास बॉयल नहीं है, उसके बदले में हम लोग ये बॉटल का यूज करते हैं। तो अब नॉर्मल डिलीवरी में इंस्ट्रूमेंट का यूज होता क्यों है, तो नॉर्मल डिलीवरी में इंस्ट्रूमेंट का यूज एपिसियोटोमी इंसिजन लगाने के लिए किया जाता है। अब एपिसियोटोमी इंसिजन लगाते क्यों हैं, उसका एडवांटेज क्या होता है, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि लेबर का जो सेकेंड स्टेज होता है उसके ड्यूरेशन को कम करने के लिए एपिसियोटोमी इंसिजन लगाया जाता है। अब एपिसियोटोमी इंसिजन भी लगाने का टाइम होता है क्या, तो यस होता है, जब क्राउनिंग होने लगता है। अब क्राउनिंग का मतलब क्या होता है, जब फीटस का हेड 3 सेंटीमीटर दिखने लगे, चाहे पेशेंट को लेबर पेन हो या ना हो, तो उसे हम क्राउनिंग कहते हैं और उस समय हम एपिसियोटोमी इंसिजन लगाते हैं। तब उसके लिए हम लोग को कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट अरेंज करना पड़ता है और उसका क्या क्या यूज होता है, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये ग्लव स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप का यूज होता है। अब इसका यूज क्या है, तो जो प्रेनियम एरिया होता है उसको क्लीन किया जाता है, उसमें स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप का यूज होता है। उसके बाद यूज होता है एपिसियोटोमी सीजर, इसका नाम है एपिसियोटोमी सीजर। इसका यूज कब होता है, इंसिजन लगाने में होता है। अब इंसिजन हम लगाते कहाँ हैं, मीडियन कभी नहीं लगाते हैं, लेट्रोमीडियन लगाते हैं। अब इस इंस्ट्रूमेंट का यूज आता है, ये सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम है। इसका यूज वेजाइनल के पोस्टेरियर वाल को रिट्रैक्ट मतलब हटाने में यूज किया जाता है, जिससे कि सर्विक्स का जो एरिया होता है क्लियर दिखे। उसके बाद से हम लोग को नीडल होल्डर का यूज होता है। अब नीडल होल्डर का यूज हम कैसे करते हैं, जब इंसिजन लगा है तो उसको तो रिपेयर करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए कैटगट थ्रेड का यूज होता है। तो उसमें जो नीडल होता है उसको इससे पकड़ करके रिपेयर करने में इसका यूज किया जाता है। अब आता है टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप। ये टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप का यूज क्या होता है, टिशू को होल्ड करने के लिए यानी पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आता है स्मॉल आर्टरी फॉर्सेप। ये स्मॉल आर्टरी फॉर्सेप है, लॉकिंग सिस्टम है। इसका यूज कहाँ पे होता है, जब थ्रेड छोटा हो जाता है तो उसको उसके टेल को पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, या क्योंकि अगर टेल पकड़े रहेंगे तो इंसिजन रिपेयर करने समय थ्रेड बाहर नहीं आएगा। अब इस मायो स्ट्रेट सीजर है, इसका यूज कब किया जाता है, अब रिपेयर हो रहा है तो थ्रेड को तो काटना पड़ेगा ना, तो उसको काटने के लिए इसका यूज होता है। अब दोस्तों हमने दो स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप रखा है, तो दो का क्या यूज है, एक ही से तो क्रेनियम क्लीन हो जाएगा ना। तो इसको हमने रखा है कि जब फिटस डिलीवर होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप किया जाता है, उसके बाद से कट किया जाता है।
तो दोनों साइड से हम अम्लाइकल को क्लैंप करते हैं और उसके बाद से बीच से हम कट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।